कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में ऑक्सीजन जांच अभियान शुरू किया गया। पहले चरण में प्रदेश के 500 स्थानों में यह कार्य शुरू किया गया। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जाँच कर रहे हैं, जिससे कोरोना संकट काल में मौतों को कम किया जा सके। आम आदमी पार्टी के ऑक्सीजन जांच अभियान के तहत ऑक्सी मित्र लोगों के घर घर जाकर आम नागरिकों की ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं, जिससे कोरोना की वजह से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। लोगों में घबराहट कम होगी और इस कोरोना संकट काल से लोगों का मानसिक दबाव कम किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का कहना है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में समय लगता है, ऐसे में आम व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब ऐसे मामलों में ऑक्सी मित्र के द्वारा तुरंत ऑक्सीजन लेवल की जांच करके देख सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन लेवल का स्तर क्या है। यदि कम है तो पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए और यह प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए जनता ने इन्हें चुना है। इसी के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाया जाए, जिससे प्रदेश की जनता को इस संकट से उबारा जा सके। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक नया मॉडल इजाद किया, जिसकी प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। हाल ही में अमेरिका ने भी दिल्ली के प्लाज्मा थेरेपी मॉडल को अपनाया। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर कई सरकारों ने होम आइसोलेशन विधि अपनाया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिल्ली मॉडल की तारीफ करी। इस मॉडल पर काम करते हुए दिल्ली सरकार ने ये पाया कि इस बीमारी में, कोरोना बीमारी में, लोगों का ऑक्सीजन लेवल अचानक घटता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है या कई लोगों की जान तक चली जाती है। तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करें और इस महामारी के संकट के दौर पर लोगों को उनका जीवन बचाने और उनकी घबराहट कम करने में मदद करें। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने 1 सितंबर से प्रदेश भर में 500 जगहों पे ऑक्सीजन जांच केंद्र के द्वारा घर घर जाकर ऑक्सीमीटर के थ्रू लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और साथ ही जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उनको आगे डॉक्टर से या वहाँ की जो प्रक्रिया है उसका पालन करने के लिए और सावधानी बरतने की हिदायत भी दे रहे हैं। और साथ ही जिन लोगों को मदद की जा सकती है, चाहे वो एम्बुलेंस बुलाने में या होम आइसोलेशन विधि को कैसे अपनाएं, कैसे सावधानी बरतें, ये सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू हुआ है। इसके दूसरे चरण में हम इसको गाँव में पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे और शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर लेके जाएंगे, ताकि ये कार्यक्रम डोर टू डोर प्रदेश भर में चलाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।